आज मैं आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। फिर वही जैक पाना, इथोड़ी, चाबी, टायर, भाई जी मैंने आज की अपनी की है आपके सामने है। ये वाली भाईजान कभी ज्यादा भी आते हैं, कभी कम भी आते हैं। अब गौर करेंगे तो आप लोगों को टायर के अंदर से आवाज आ रही होगी। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहता हूँ अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज मेरे टारगेट का है 10वां दिन। तो भाईजान सुबह सुबह मेरे ऑटो रिक्शे का दोबारा फिर से टायर पंचर हो चुका है। आज है हफ्ता, हफ्ते वाले दिन देखते हैं बाहर रोड पे ऑटो रिक्शे का कितना काम होता है। आज मैं सुबह से शाम तक कितनी अर्निंग कर पाता हूँ। सबसे पहले ऑटो रिक्शे के टायर को पंचर लगवाते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं अपनी फील्ड पे। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा। जी भाई जी, मैं आ चुका हूँ मैकेनिक के पास। तो टायर को पंचर अब लगाया जा रहा है, तो जैसे ही ये टायर को पंचर करेगा तो उसके बाद मैं निकलूँगा अपनी फील्ड पे। पंचर भी लग चुका है, निकल पड़े हैं अपनी फील्ड पे, अपनी किस्मत आजमाने भैया ने। देखते हैं जी आज मैं कितनी अर्निंग कर पाता हूँ। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा। आज मैं आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले सुबह मेरा भाईजान पीछे वाला व्हील पंचर हुआ था, अब हो चुका है इसका आगे वाला टायर पंचर। इसको अब मैं फिर से करने लगा हूँ चेंज। भाई जी आप भी कहते हो गए यार शुएब भाई, आपके रिक्शे के बड़े मसले निकलते हैं। भाईजान जो चीज़ चलती है उसके मसले निकलते ही निकलते हैं, जो चीज़ नहीं चलती उसका भाईजान कोई मसला भी नहीं निकलता। आज है मेरे टारगेट का 10वां दिन। अगर आप गौर करेंगे तो आप लोगों को टायर के अंदर से आवाज़ आ रही होगी। फिर वही जैक पाना, इथोड़ी, चाबी, टायर, भाईजान ऑटो रिक्शा ड्राइवर की इसी कामों में ज़िंदगी गुजर जाती है। आगे वाला व्हील भाईजान आप लोगों ने किस तरीका कार से चेंज करना है, आज मैं आप लोगों को ये भी तरीका बताऊंगा। इससे पहले वाली भी वीडियो मैंने बनाई थी, पूरा तरीका आप लोगों को बताया था आगे वाला व्हील कैसे चेंज करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे मौजूद है, तो वो भी वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को सिर्फ ऑटो रिक्शा का फ्रंट वाला व्हील चेंज करना आना चाहिए। जी भाई जी, मैंने जब सुबह अपना ऑटो रिक्शा निकाला था तब पंचर हुआ था, मैं अपनी फील्ड पे काम कर रखा था, फिर पंचर हो गया था। भाई जान जब मैं अपने ऑटो रिक्शे को पंचर लगवाने गया तो आगे वाला टायर दोबारा फिर से पंचर हो चुका था, तो जिसकी वजह से भाई जान मैं अब जा रहा हूँ छुट्टी करने, जिसकी वजह से अब मैं करने लगा हूँ छुट्टी। भाईजान जितनी मैंने आज की अर्निंग की है आपके सामने है। ये वाली भाईजान कभी ज़्यादा भी आते हैं, कभी कम भी आते हैं।